तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स की क्लास में। जैसा कि हमने कहा था, रीजनिंग शुरू करेंगे, लेकिन किसी कारणवश रीजनिंग की क्लास है वो कल तक के लिए पोस्टपोन हो गई है। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक, और आज का ही एक ही दिन में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। बहुत सारे लोग हो सकता है इसको पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन अब एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। आइए, तो आज का टॉपिक क्या है, मैं टॉपिक नेम पहले लिख देता हूँ आपके सामने, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। आज का टॉपिक है अवगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अवगामी शून्यों की संख्या, ठीक है, ज्ञात करना, मतलब शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है। अब स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा भाई, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, ये एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा इजी है। जब तक आप इसे नहीं जानते हो आप नहीं बना पाओगे, लेकिन जैसे ही आप इसे जानने लगते हो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। वन डे टॉपिक, वन डे एग्ज़ाम, सिविल सर्विस एग्ज़ाम, सभी में अब ये ट्रेंड आ रहा है। आइए, तो ये अवगामी शून्यों की संख्या या नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज होते क्या है, ठीक है, एक बार हिंदी और इंग्लिश चेक कर लीजिएगा, मतलब मैं बता देता हूँ होता क्या है, तो आप भावनाएं समझ जाइए। देखिए, अगर मैं बोलूँ कोई संख्या 1080 है, ठीक है, एक ऐसा उदाहरण लिया हमने जिसमें दो शून्य दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर शून्यों की संख्या ज्ञात करना आपका पर्पस है, ठीक है। आपको क्या करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना आपका पर्पस है, एक क्वेश्चन में बोला हुआ है। लेकिन शून्य की संख्या जब ज्ञात करने कहेगा तो आपको केवल इधर आने वाले शून्यों को बताना है, मतलब जो लास्ट में आते हैं, ठीक है, लास्ट में कितने शून्य आएंगे ये केवल बताना है। और उसके बाद जब कोई भी अंक शुरू हो जाता है उसके लेफ्ट तरफ जितने भी शून्य आए उससे हमको मतलब नहीं है, तो इसी को बोल रहे हैं ट्रेलिंग जीरोस। क्या बोल रहे हैं इसी को, ट्रेलिंग जीरोस, अवगामी शून्य, क्लियर। तो लास्ट साइड में कितने शून्य आएंगे उसकी बात करते हैं, बाकी शून्यों से हमको मतलब नहीं है, केवल एंड वाले शून्य कितने सारे होंगे। जैसे यहां पर कितने दिख रहे हैं, एक शून्य दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं हजार में कितने शून्य बताइए, तो आप बोलोगे सर यहाँ तीन है, ठीक है। अगर हम बोलूं कि 10,000 में कितने हैं, तो आप बोलोगे सर चार है। बात समझ में आई क्या, तो ये इधर लास्ट वाले शून्यों की संख्या हमको बतानी है, क्लियर। तो सर ये तो इजी, ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या, ऐसा क्वेश्चन आता तो क्वेश्चन बनता ही नहीं, समझ पा रहे हो। चलो देखें, अब क्लियर हो गया, अवगामी शून्य ट्रेलिंग जीरोस किसको बोल रहे हैं, क्लियर हो गया क्या। आइए क्वेश्चन कैसे आएगा देखते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए नंबर ऑफ जीरोस, कैलकुलेट नंबर ऑफ जीरोस, लेकिन कैसे, ट्रेलिंग मतलब अवगामी शून्यों की संख्या, बाद में आने वाले शून्यों की संख्या ये आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। चलो अगर मैं उदाहरण दे दूं लिखिएगा, 4 की घात 5 गुणा 5 की घात 10 में शून्यों की संख्या बताइए। अब अगर आपको केवल शून्यों की संख्या दे दे, अवगामी या ट्रेलिंग जीरोस ना दे, तो भी मतलब वो रहता है अंडरस्टूड कि वो लास्ट वाले शून्यों को पूछ रहा है। 4 की घात 5 गुणा 5 की घात 10 में शून्यों की संख्या बताइए, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए कितना भारी भरकम दिख रहा है, क्या 4 की घात 5 लेना संभव है। चलो 4 की घात 5 लेना संभव हो भी जाएगा, 5 की घात 10 लेना संभव नहीं है। और फिर दोनों को गुणा करके ये बताना है कि कितने जीरो आ रहे हैं, संभव नहीं है। तो उसके लिए होता है बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, ट्रिक नहीं बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। एक शून्य लाने के पीछे कौन कौन से एलिमेंट जरूरी होते हैं, क्या कोई मुझे बता पाएगा। दो ऐसे को प्राइम फैक्टर बताइए जिनका गुणनफल करके एक जीरो देगा, जिनका गुणनफल करके एक जीरो देगा, जो लाइव जुड़े हो, कोई बता पाओगे क्या, बोलो। हाँ, एक जीरो प्रोड्यूस करने के लिए कौन से दो एलिमेंट या फैक्टर की जरूरत होगी, मुझे बताइए। क्या बात है, क्या बात है सोमी जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, सोमी जी ने जवाब दिया, निकेश कुजूर ने जवाब दिया, साकेत ने जवाब दिया, ये बेहतरीन है, ये जबरदस्त है, धीरज ने जवाब दिया 2 × 5, क्या बात है। देखो, एक शून्य प्रोड्यूस करने के लिए, 10 प्रोड्यूस करने के लिए आपको जरूरत होगी 2 × 5 की, होगी कि नहीं, किसकी जरूरत होगी, 2 × 5 की, जो रिजल्ट क्या दे रहा है आपको, 10 दे रहा है, ठीक है, जो रिजल्ट क्या दे रहा है, 10 दे रहा है, दिख रहा है ना सामने, समझते जाना,
एक जीरो लाने के लिए हमको दो गुणा पांच करना पड़ेगा, ठीक। अब सर इसमें क्या करें, अब इसमें कोई भी सी संख्या गुणा करो उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे इसमें आप दो गुणा पांच भी कर दोगे तो ये 20 हो जाएगा, अल्टीमेटली नंबर ऑफ जीरो एक ही रहेंगे, हमको मतलब है केवल शून्य से। तो सर और जीरो चाहिए, फिर मैं क्या करूंगा, तो एक दो और एक पांच और ले लो, तो ये 10 और हो जाएगा, और 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो सर दो शून्य हो गए, तो हर एक जीरो के पीछे एक दो और पांच का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ, बहुत बढ़िया हेमंत सागर संदीप, क्या बात है? सारे लोग ये चीज समझ पाए भैया, एक जीरो प्रोड्यूस करने के लिए ना, एक जीरो लाने के लिए एक दो और पांच का होना जरूरी है, दोनों का होना जरूरी है। और दूसरा जीरो चाहिए तो सर एक दो और पांच और ले आइए, तीसरा जीरो चाहिए तो एक दो पांच और ले आइए। ये क्लियर है कि नहीं जल्दी बोलो मुझे, ये क्लियर हो गया मतलब टॉपिक खत्म, फिर कैसे करते हैं वो सीखेंगे धीरे धीरे, क्या क्या समस्या है, इतना क्लियर है कि नहीं सभी लोग, ठीक। चलो तो एक चीज पता चल गई सर, अगर हमको जितने शून्य चाहिए उतने दो और पांच का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक। लेकिन सर क्वेश्चन में तो दिया होगा डायरेक्ट, हमको पता करना पड़ेगा कि शून्य कितने हैं, मतलब शून्य कितने ही, ये पता करने के लिए पता करना पड़ेगा कितने दो और कितने पांच है। बोलो यहां पर शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पता लगाना पड़ेगा दो कितने हैं और पांच कितने हैं, ठीक है, दो कितने हैं और पांच कितने हैं पता लगाना पड़ेगा। और जब ये पता लग जाएगा तो बराबर बराबर संख्या लेते हुए शून्यों की संख्या निकल आएगी, है कि नहीं इंटरेस्टिंग, बोलो है कि नहीं इंटरेस्टिंग। तो आइए इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं दो की घात कुछ में और पांच की घात कुछ में, मतलब दो की घात n और पांच की घात n, वट एवर m, ठीक है देख लेना। चलो पांच की घात ऑलरेडी तो पांच की घात 10 के रूप में कन्वर्टेड है, तो पांच को कुछ छूने की जरूरत है नहीं, हमको अल्टीमेटली कन्वर्ट करना पड़ेगा चार को। चार को मैं लिख सकता हूं दो की घात दो, और इस दो की घात दो मतलब चार का पूरा घात है पांच, घातांक के नियम के अनुसार ये हो जाएगा दो की घात 10। कोई समस्या है क्या, पांच दूना 10, दो की घात 10 हो गई, किसके बदले चार की घात पांच के बदले दो की घात 10 लिख दिया मैंने घातांक के नियम के अनुसार, प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस, एकदम क्लियर, कोई समस्या। सीधा दो चार को लिखा दो की घात दो, दो की घात दो चार होती है ना, क्यों कर रहा हूं सर, भैया देखो ना इधर दो और पांच तो चाहिए, तो चार को लिख दिया दो की घात दो, और चूंकि ये चार है और उसको पूरे की घात पांच दी हुई है तो पूरे की घात पांच ले लिया, पांच दूनी 10 हो जाता है, दो की घात 10 मिल गई, और पांच को कुछ छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, पांच की घात तो ऑलरेडी 10 है। ये देखो हो गया कन्वर्ट दो और पांच की घात में, कितनी कितनी है इधर सर, दो भी 10 है पांच भी 10 है सर, दोनों 10 है, मतलब यहां से नंबर ऑफ जीरो आएगा ना सर, क्योंकि एक दो और पांच के पीछे एक शून्य, तो 10 दो और पांच के पीछे 10 शून्य आएंगे सर, ये आंसर होगा इस गिवन एक्सप्रेशन में, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इज 10, 10 जीरो आएंगे, 10 दो जीरो क्यों आएंगे, 10 जीरो आएंगे, ठीक, क्लियर है, जल्दी बोलिए क्लियर है ये टॉपिक, ये 10 लिखा हुआ है देख लीजिएगा, ये 10 लिखा है, ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं बताओ। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि एक डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने एग्जांपल दे दिया कि दो की घात ले ली मैंने 8 और पांच की घात ले ली मैंने 13, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस बताइए, एकदम धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे, बड़ा मजा आ जाने वाला है। देखो एक बार और लास्ट लाइन को देखो, यहां पर ये कन्वर्ट करना आया कि नहीं बताओ, दो और पांच के रूप में क्यों कन्वर्ट करेंगे सर, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे शून्य निकालने हैं ना तो दो और पांच के रूप में होने चाहिए, जितने दो और पांच मुझे दिखाई देंगे क्वेश्चन में उतने ही जीरो में पता कर पाऊंगा, और कोई तरीका भी नहीं है, इसको क्या सॉल्व करोगे, सॉल्व करना पर्पस नहीं है, दो और पांच निकालो ना, रीजन बताइए सर, दो और पांच मिलके तो एक शून्य दे रहे थे आपको, और शून्य है तो निकालना है, बाकी संख्या को भूल जाओ, मतलब नहीं है, सिर्फ शून्य से मतलब है, दो गुणा पांच 10, ठीक, तो एक दो और पांच मिलके एक शून्य दे रहे हैं, 10 के पीछे एक ही तो शून्य लगा है, ठीक है, तो जितने दो और पांच चाहिए उतने शून्य मिलेंगे। तो गिवन एक्सप्रेशन में ना दो और पांच ढूंढते हैं, दो और पांच जब ढूंढेंगे तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा दो और पांच के रूप में, जो भी घात होगी जो भी आधार होगा उसको उस दो और पांच के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश करिएगा घातांक के नियम के अनुसार। और जब हमारा ये कन्वर्ट करके दो की घात 10 आ गई और पांच की घात 10 हमको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो देखो दो की घात भी 10 पांच की घात भी 10 दोनों बराबर बराबर हैं,
और दोनों का ही कॉम्बिनेशन एक जीरो देता है, तो दोनों दस दस हैं, तो क्या मतलब दस जीरो मिलेगा, क्लियर है क्या? और क्या बात है, यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निकेश, हरीश, सागर, सोमी, संदीप, हेमंत, क्या बात है यार, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस बिल्कुल करेक्ट, आठ आएगा सर, क्या आएगा, आठ आएगा, क्या बात है क्या बात है। देखो अब यहाँ पर कॉमन सेंस वाली बात ये है कि सर यहाँ पर दिख रहा है घात आठ, यहाँ पर तेरह है, तो मुझे एक चीज बताओ, एक शून्य लाने के लिए दोनों का होना जरूरी था कि नहीं था, था ना, दोनों का होना जरूरी था, जितना ये उतना ये, तो दो की घात आठ तक ले लोगे तो इसके साथ रिक्वायरमेंट किसकी होगी, पांच की घात आठ तक की भी रिक्वायरमेंट होगी तो होगी कम से कम, ठीक। तो सीधी बात है, दोनों का बराबर बराबर कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तब जाके आपको उतने जीरो मिल जाएंगे जितनी घात होगी, मतलब यहां पर आठ आ गया। लेकिन सर पांच की घात तो बच गई, कितनी बच गई, पांच की घात पांच एक्स्ट्रा बच गई सर, क्योंकि आठ ही यूज पाई ना, यूज हो पाई, तेरह में से आठ गया, कितना बचेगा, पांच की घात पांच बच गया, तो पांच की घात पांच बच गया उससे मतलब ही नहीं है, लेकिन इसके लिए दो तो नहीं बचा ना, दो का आठ घात तो पूरा यूज हो गया, टू टू दी पावर एट तो पूरा यूज हो गया इसके साथ, पांच की घात अब पांच बच भी गई, फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो एक बात हमको ध्यान रखना है, दो की घात जो भी दी हुई हो, पांच की घात जो भी दी हुई हो, दोनों में जो मिनिमम घात होती है ना, दोनों में जो आपको मिनिमम घात होगी वही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। बात समझ में आ गई क्या, क्योंकि बराबर बराबर चाहिए, रीजन बताइए सर, रीजन 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 वही है भैया, बराबर बराबर जीरो चाहिए, एक एक्स्ट्रा बच जाता है मतलब नहीं है, पेयर बनाना चाहिए बराबर का। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, जल्दी रिस्पॉन्ड करोगे तब पता चलेगा, एक बार और बोलोगे तो एक बार और बताएंगे, वैसे आगे एग्जांपल आएंगे तो उससे क्लियर हो जाने वाला है। आगे बढ़े, आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आइए जो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगा। सर एक ले लो सर, दो की घात आप ले लो सर सत्रह, और एक ले लो पांच की घात चार, नंबर ऑफ जीरोस बताइए सर, नंबर ऑफ जीरोस बताइए। तो ये भी बड़ा इजी है, डायरेक्ट कर लेते हैं, हर कोई जवाब दे देगा मुझे यकीन है। तो सर देखो, आपने बोला कि नंबर ऑफ जीरोस देखने के लिए ना आप मिनिमम घात देख लो, क्योंकि वही उतने वाले से दूसरा कितना भी ज्यादा हो लेकिन उतनी ही बार तो पेयर बनाएगा। तो सीधी बात है, हमारे काम का है दो की घात चार और पांच की घात चार, क्योंकि जो कम घात थी वो पांच वाले के साथ थी, केवल चार थी, तो सीधा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ जीरोस जो आएगा इधर आ जाएगा चार, ठीक है। तो दोनों में जो मिनिमम होगी, तो क्या करना, यहां पर एक नोट पॉइंट लिखना ऐसा, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस शून्यों की संख्या इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, मिनिमम ऑफ एन एम, और एन एम क्या है, वेयर, वेयर एन एम इज इक्वल टू पावर्स ऑफ टू एंड फाइव रिस्पेक्टिवली, ऑफ रिस्पेक्टिवली, एकदम क्लियर। एन एम, एन और एम क्या लिया था मैंने, पावर लिया था ना, घात ली थी दो और पांच की, तो दोनों में जो मिनिमम होगा वही नंबर ऑफ जीरोस होगी। यहां तक किसी को कोई समस्या, ठीक है, आइए अब क्वेश्चन के साथ खेलेंगे, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन देंगे, आइए, ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। अब यहां पर ज्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है आपके, यहां ज्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है, तो जैसे कि मैंने कॉम्बिनेशन दे दिया वो आपको कर लेना, जैसे अगर एक क्वेश्चन और दे देते हैं, आइए देखिएगा एग्जांपल, यहां पर हम ले लेते हैं आठ की घात दो गुणा, कुछ भी ले लो एग्जांपल, कोई समस्या नहीं, दो की घात दो गुणा बीस की घात चार, ठीक है, बीस की घात चार, नंबर ऑफ जीरोस बताइए, नंबर ऑफ जीरोस बताइए, नंबर ऑफ जीरोस बताइए। चलिए आठ की घात दो गुणा बीस की घात चार, इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने हैं, आइए कैमरा को बीच बीच में देख रहा हूं ताकि ब्लर ना हो, कुछ कुछ पिछले वीडियोस में थोड़े समय के लिए ब्लर हो जाता था, वीडियो रिकॉर्डेड वाला है, राइट, तो ठीक है, वो कुछ समय बाद ठीक भी हो गया था, तो बीच में जो ब्लर होता है उसके लिए आप आवाज़ मेरी प्रीफर कर सकते हो, वैसे ऑटो फोकस मैंने ऑफ रखा हुआ है, बट फिर भी वो क्या है कि कई बार ऑटो फोकस ले लेता है। चलिए तो यहाँ पर आंसर आने शुरू हो गए कि छः आ रहे हैं आंसर, देखते हैं, सागर ने बोला, हर्ष ने बोला, हरीश ने बोला केवल एक, तो केवल नहीं होगा। देखो पहले, सबसे पहले मुझे एक चीज़ पता है, गिवन एक्सप्रेशन जो भी हो, गिवन एक्सप्रेशन जो भी हो, मुझे ना इसको
दो की घात n और पांच की घात m के रूप में परिवर्तित करना है, है कि नहीं? जी हाँ सर। आइए, क्या मैं 8 को 2 की घात के रूप में निरूपित कर सकता हूं क्या? जी हाँ सर। कैसे भैया? 8 होता है ना 2 की घात 3, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 क्या होता है? 2 की घात 3 होता है सर। ठीक है, तो मैं यहां पर 8 को लिख देता हूं 2 की घात 3 और उस पूरे की घात दी हुई है 2। ओके सर, ठीक है। 20 को भी तोड़ो ना, 20 को भी तोड़ो, जितने छोटे छोटे रूप में टूट सकता है, फैक्टर में टूट सकता है। तो सर 20 होता है ना आपका 2 गुणा 2 गुणा 5 होता है ना। 20 क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 5 20। तो मैं 20 को तोड़ रहा हूं ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 5 और पूरे की घात कितनी दी हुई है बोलो? 4 बोलो। ठीक है, ओके। यहां पर 2 की घात कुल कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6, कोई समस्या? यहां 2 की घात कितनी और 5 की घात कितनी बोलो? ये 2 की घात 2 दिख रही है, 2 की घात 2 और उसकी घात 4, मतलब 4 दुनी 8, 2 की घात 8 तो यहीं पर हो गई। इन दोनों के बदले 2 की घात 2 लिखोगे ना, और 2 की घात 2 का घात 4 है, तो 4 और 2 गुणा हो जाएंगे, 4 दुनी 8 हो जाएगी 2 की घात, और गुणा 5 की घात 4 आ रही है, ये दिख रही है। तो सर कुल मिला के ना 2 की घात कितनी हो गई? ये दोनों जुड़ जाएंगे, आपको घातांक के नियम के अनुसार पता होना चाहिए, 1 की घात m गुणा 1 की घात m इज इक्वल्स टू 1 की घात m प्लस n। गुणा में अगर आधार समान होते और पावर अलग अलग होते तो केवल आधार को एक बार लिख के दोनों घातों को जोड़ दिया जाता है। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 2 की घात हो जाएगी सर 14। 2 की घात कितनी हो जाएगी सर? 14 हो जाएगी, ठीक है। और 5 की घात कितनी हो जाएगी? ये 4 हो जाएगी सर। तो एक्सप्रेशन से दिख गया 2 की घात 14 और 5 की घात 4 है, मतलब नहीं है हमको ज्यादा घात से, हमको तो मतलब है सिर्फ छोटी घात से, और सीधा नंबर ऑफ जीरोस यहां पर आ जाएगा 4। नंबर ऑफ जीरोस यहां पर भी आ जा रहा है 4, क्योंकि 2 और 5 की घात में जो छोटा है वो लेंगे। क्लियर? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के सही जवाब आए, शुरू में कुछ 6 आंसर आया था तो करेक्शन की जरूरत थी, जो हो गया बन जाएगा ऐसा सिंपल, लेकिन इतना सिंपल नहीं देगा। तो इससे कैसे पूछता है सर? आइए, हेडिंग डालिए फैक्टोरियल्स। हेडिंग क्या डालेंगे? फैक्टोरियल्स, ठीक है। फैक्टोरियल को फैक्टोरियल बोलेंगे, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी, इसमें कोई फैक्टोरियल का हिंदी शब्द यूज नहीं करना, अगर होगा भी तो भी यूज नहीं करना है, ठीक है। फैक्टोरियल्स हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए फैक्टोरियल्स बोलते हैं। फैक्टोरियल्स क्या होता है समझ लो, जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के हैं, फैक्टोरियल का सिंबल होता है इस प्रकार या फिर इस प्रकार। जैसे अगर कोई संख्या दे दे, अगर मान लेते हैं 5 फैक्टोरियल दे दे आपको, 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि 5 से शुरू करते हुए 1 तक जाना है और सबका गुणनफल लेना है। जैसे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। ये फैक्टोरियल किसी भी संख्या की फैक्टोरियल दे दे, अगर मान लेते हैं ऐसा भी दे दे, ये 9 की फैक्टोरियल, मैंने बोला ना ऐसा भी सिंबल होगा, ये हो चाहे ये हो फैक्टोरियल होता है। तो फैक्टोरियल मतलब सर वहां से शुरू करते 1 तक जाइए और सबका गुणनफल ले लीजिए, मतलब 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल क्लियर है क्या जिसको नहीं पता था? आई थिंक मैक्सिमम लोग को पता होता है, लेकिन कई बार होता है कि नो, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड होता है, वैसे तो ये 10th क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाता है फैक्टोरियल जो है, लेकिन फिर भी कई लोगों को नहीं पता होता। तो फैक्टोरियल क्लियर है किसको बोलते हैं? अब आपको फैक्टोरियल वाले एक्सप्रेशन दे के पूछेगा कि बताइए कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। यहां पर ये होता है समस्या, ठीक। उदाहरण बेसिक से शुरू करेंगे, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या बताइए, ठीक। आइए, 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइएगा, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब एक बार मुझे समझाना पड़ेगा, जब तक समझ में नहीं आता ये तो बनाने में मुश्किल जाएगी, क्यों? क्योंकि 10 फैक्टोरियल होगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 5 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब यहां पर इतने फैक्टोरियल में 2 की घात ढूंढने बैठोगे, 5 की घात ढूंढने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बन भी जाएगा, लेकिन इतना ईजी नहीं आता, जैसे कि मैंने बोला कोई बड़े क्वेश्चन का, बड़े नंबर का फैक्टोरियल दे देगा। जैसे मैंने बोल दिया 138 का फैक्टोरियल बताओ, मतलब उसमें शून्यों की संख्या बताओ, तो 138 से क्या आप 138 137 136 का गुणा लेते हुए एक तक आओगे क्या? और फिर उसमें 2 और 5 की घात ढूंढना कितना टीडीएस काम हो जाएगा।
यहां तो फिर भी पता लगा लोगे कितने दो और कितने पांच है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। यहां पर इस तरीके से एक तक ले जाने का मतलब नहीं है, यहां एक तक ले जाके शून्य और सॉरी दो और पांच ढूंढने का मतलब नहीं है। यहां सुनो एक ट्रिक, ठीक है, मतलब किससे बोलो, मतलब किससे? सर ये नहीं भूलेंगे कभी, ये तो भूलेंगे ही नहीं सर, यही तो ला रहा है नंबर ऑफ जीरोस, दो और पांच है कि नहीं। तो गिवन फैक्टोरियल में, गिवन फैक्टोरियल में आप एक बार टू से भाग करोगे और तब तक भाग करोगे जब तक उसका भागफल पूरी तरीके से भाग ना हो जाए। सुनो, गिवन फैक्टोरियल में टू से और गिवन फैक्टोरियल में फाइव से भाग देते रहना है। कब तक भाग देते रहना है? जब तक कि इसका जो भागफल आएगा वो भी पूरी तरीके से दो और पांच से भाग ना चला जाए। देखना मैं कर रहा हूं, यहां कर रहा हूं। आइए, मैंने बोला एक बार मतलब दोनों से भाग देके देखना पड़ेगा, है ना। आइए सर, दो पंचे दस कितना आया रिजल्ट? पांच आया ना। और एक और बात, पूरी तरीके से भाग होना जरूरी नहीं है, जितना भाग होता है कर दो, जितना छूट जाता है शेषफल उसको रहने दो, सिर्फ भागफल से मतलब है कितनी बार जा रहा है। तो दो पंचे दस पांच आ गया सर, और भाग जाएगा दो से, बिल्कुल संभावना है दो से और भाग जाने की, ठीक है। कितना बार में जाएगा? दो दूना चार सर, जी हाँ गया ना, दो दूनी चार, दो बार में गया सर, पूरा तो नहीं गया, पूरा जाने से मतलब ही नहीं है, जितना मैक्सिमम जा रहा है उतना करो। फिर भागफल क्या आया सर? दो आया, दो दो से और भाग जाएगा क्या? बिल्कुल एक बार में जा सकता है। ये जो बचा हुआ दो है ना उसकी बात कर रहे हैं, ये जो बचा हुआ फाइव है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो इस बचे हुए दो को फिर से दो से भाग दिया, क्योंकि दो से ही भाग दे रहे, तो दो एकम दो आ गया सर। अब एक जो है दो से भाग नहीं जाएगा, मैंने बोला है पूरी तरीके से जितनी बार भाग चला जाए भागफल, भागफल तो ये चला गया पूरी तरीके से भाग, हो गया यहां काम। चलिए पांच में देखिए सर, पांच दुना दस, पांच दुना दस होता है ना, हो गया, दो और पांच से भाग जाएगा क्या? जो भागफल है दो मिला आपको, वो पांच से और भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा सर, क्योंकि वो छोटा है। हो गया काम हमारा यहां पर, केवल ये जो पांच है ना दस को दो बार में भाग देगा, हो गया काम खत्म, फिनिश, ठीक। तो अब यहां पर देख लेना, दो की घात जो ये जो मिली है ये दो की घात है, और वो जो मिली है वो पांच की घात है। तो देखो यहां पर दो की घात मिली कितनी? पांच दो सात और एक आठ, ये जो मिल रहा है ना सर, ये जो मिल रहा है ना, ये दो की घात होगी, कि दो की घात इसमें कितनी इन्वॉल्व है वो पता चल रही है। तो ये होगी दो की घात आठ, पांच दो सात एक आठ, क्लियर। और यहां पर सर दो ही मिला है, मतलब यहां पांच की घात कितनी होगी? यहां पांच की घात केवल दो होगी सर। तो मतलब भागफल जो मिलता है वही उस संख्या की घात हो जाती है। तो देखो सर, दो की घात आठ मिल गई और पांच की घात दो मिल गई, तो सर नंबर ऑफ शून्य तो बड़ा इजी है। फिर अब नंबर ऑफ जीरो तो सीधा वो है दोनों घात में जो मिनिमम होगी, और वो होगी दो, ठीक है, क्योंकि दो और पांच की घात में पांच की घात कम दिख रही है, और वो आएगी आंसर टू। ये क्लियर है? जल्दी हाँ या ना में सभी रिप्लाई करेंगे, जिनको समझ आ भी गया, जिनको नहीं आया तो वो बोलिए नहीं आया, एक बार फिर बताइए, एक बार फिर तब हो जाएगा जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है क्या? क्लियर है बताइए, ये क्लियर है कि नहीं पहले मुझे, सभी लोग प्लीज रिप्लाई करेंगे, ठीक है, रिप्लाई करेंगे तो पता चलेगा हाँ बन रहा है नहीं बन रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, है इजी, अभी और मजा आएगा देखना, अभी आगे और मजा आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में इसको मैं चेंज कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने ये है, 29 फैक्टोरियल में, क्वेश्चन वही है, 29 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस बताइए, शून्यों की संख्या बताइए, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके पास दे दिया 29 फैक्टोरियल, हाँ घात को जोड़ के आठ आया, जी घात को जोड़ के ही आठ आया वो, ठीक है। 29 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस बताइए, आइए बड़ा इजी है, मजा आ जाएगा देखना, मजा आ जाएगा। चलिए जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया, आंसर भी जल्दी आ जाएंगे, आने आ ही रहा होगा, रास्ते में होगा आंसर, जल्दी बोलो, लाइव जुड़े हुए लोग, यही फायदा है भाई, मैं बार बार बोलता हूँ, जो मैथ्स को रिकॉर्डेड देख रहे हो प्लीज़ कोशिश करो अगर लाइव क्लास में आ सको। टाइमिंग ऐसा रखा गया है कि कोई भी लाइव अटेंड कर सकता है, जो ऑफिस वाले भी हैं वो भी अगर 9:30 बजे तक ऑफिस के लिए निकलते होंगे, अगर उनको ऑफिस 10 बजे लगता होगा तो भी समझिए कि आप रेडी होके 8:30 बजे क्लास करने आ सकते हो, 9:30 बजे तक क्लास हो जाती है जनरली हमारी, 5-10 मिनट अगर छूट भी जाता है ऑफिस में, अगर लेट हो रही है तो चले जाइए उस समय, फिर क्या करेंगे 5-10 मिनट को रिकॉर्डेड में कवर कर लीजिए, समझ पा रहे हैं क्या?
यहाँ पर आंसर आने शुरू हो गए हैं, 6 आ रहे हैं आंसर, देखिए चेक करते हैं आप। अब यहाँ सर 29 फैक्टोरियल है, तो मुझे क्या करना है, बारी बारी से दो से और एक तरफ 5 से भाग देके देखना है, ठीक है ना सर। थोड़ा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर दो से भाग दूंगा, दो एकम दो और दो चौका आठ, पूरा जितनी बार भाग जा रहा है उसी से मतलब है, दशमलव वगैरह बच रहा मतलब नहीं है। दो एकम दो, दो चौका आठ, 14 बार में गया, ठीक है सर। 14 को फिर से जो भागफल आएगा उसको फिर से भाग देना है सर, दो ही से, दो सत्ते 14 आ गया, ठीक है सर। फिर और भाग दे सकते हैं, 7 को 2 से भाग दिया सर, कितना आ गया, 2 3 6 आ गया सर, ठीक है। एक बार और भाग दे सकते हैं सर, 3 को 2 से, 2 एकम 2, ठीक है। अब भाग नहीं देंगे क्योंकि एक जो है वो 2 से भाग नहीं जाएगा, हो गया पूरी तरीके से भाग। क्या यहाँ पर 2 की घात कितनी आ जाएगी, 14 और 7 कितना, 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, 2 की घात 25 आ गई सर। यहाँ ये जो जोड़ते हैं ना, ये घात आती है किसकी, 2 से भाग दे रहे तो 2 की घात आएगी, तो ये है सर 2 की घात 25, क्लियर, ठीक किया मैंने। 14 बार में 14 को 2 से भाग दिया, 7 बार में 7 जो आया फिर से 2 से भाग दिया, 2 3 6, फिर ये 3 मिला 2 से भाग दिया, फिर एक बार में सबको जोड़ दिया, 2 की घात आ गई 25, ठीक। 5 से भाग दीजिए सर, आइए 5 5 25 और तो नहीं जाएगा भाग, ठीक है। अब एक और बार स्कोप है 5 को भाग देने का, क्यों, क्योंकि 5 बचा हुआ है, 5 को फिर से 5 से भाग देंगे, 1 आएगा सर, ये देखो अब भाग नहीं जाएगा, तो अल्टीमेटली भाग गया, कितना घात आया 5 का, 5 की घात आई सर 6, 6 है ना, 5 और 1 6, तो 5 की घात 6 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है 2 की घात यहाँ 25 आ रही है और यहाँ 5 की घात 6 आ रही है, तो मिनिमम वाला होता है सर नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 25 एंड 6, ऑब्वियसली बात है 6, बिल्कुल जितने लोगों ने 6 बोला था बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। अब एक मजेदार बात देखो, क्या सर ऐसा नहीं हो सकता केवल मैं 5 से भाग देके देख लूं तो मुझे नंबर ऑफ जीरोस पता चल जाएंगे? जी हाँ, इस तरीके के फैक्टोरियल वाले प्रॉब्लम में आपको 2 से भाग देके देखने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम सेव करो और केवल भाग देके देखो 5 से कि कितने घात आ रहे हैं 5 के। रीजन कि भैया फैक्टोरियल वाले प्रॉब्लम में 2 की घात भी होगी 5 की घात भी होगी, ये तो ऑब्वियस है, बस वो जो फैक्टोरियल है वो 5 फैक्टोरियल से बड़ा होना चाहिए, 4 फैक्टोरियल बोल दिया तो उसमें 5 की घात तो आएगी नहीं आपकी, समझ पा रहे हो आप? तो इतना इजी क्वेश्चन और इतना छोटा क्वेश्चन देगा भी नहीं। जो भी फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से बड़ा होगा या 5 फैक्टोरियल के इक्वल होगा उसमें 2 और 5 दोनों की घात इन्वॉल्व होगी सर। जी हाँ, तो सर ऐसा क्यों नहीं करते, जब 5 की घात ही हमेशा मिनिमम आती है तो गिवन फैक्टोरियल में केवल 5 से भाग देके देखें और ये हमेशा ही होगा, ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर कोई भी फैक्टोरियल लोगे ना तो उसमें 2 की घात हमेशा ज्यादा ही आएगी, ये तो भाग देके दिख रहा है दोस्तों, कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं आने वाला फैक्टोरियल वाले प्रॉब्लम में कि 2 की घात कम आएगी। हाँ, इसके पहले जो बिना फैक्टोरियल वाला प्रॉब्लम देखा था उसमें इंटेंशनली हो सकता है कि 2 की घात कम रहे 5 की घात ज्यादा रहे, जैसे हमने क्वेश्चन देखा भी था, लेकिन फैक्टोरियल वाले प्रॉब्लम में ना, ध्यान से सुन लेना, फैक्टोरियल वाले प्रॉब्लम में हमेशा 5 की घात ही मिनिमम होती है, ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, दिख रही डिवाइड करके, ठीक। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में अगर बात करें जो फैक्टोरियल वाला नहीं था, कहां गया ये इंटेंशनली क्वेश्चन ऐसा दिया गया था, फैक्टोरियल वाला भी नहीं था जिसमें 2 की घात और 5 की घात हमने निकाली तो 5 की घात छोटी आ गई, ये फैक्टोरियल वाला नहीं है, ये इंटेंशनली वैसा दिया गया क्वेश्चन है, लेकिन फैक्टोरियल वाला होगा ना सर, हमेशा 5 की घात मिनिमम आएगी। तो क्या लिखेंगे, आइए क्या लिखेंगे इसमें, इन फैक्टोरियल प्रॉब्लम Always, there is always minimum power of 5. Minimum power of 5. ठीक है, ठीक है। In factorial problem, always minimum power of 5. 5 की power हमेशा minimum होगी. तो इसे क्या होगा सर? Factorial को केवल 5 से divide करके check करो. 2 से डिवाइड करके चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो हमेशा ज्यादा आएगा। तो सर कैसे पता चलेगा 2 है कि नहीं, मैं तो बोल रहा हूं ना भैया 2 तो रहेगा, ये तो दिमाग तो लगाओ, अगर फैक्टोरियल आ गया तो उसमें 2 की घात तो रहेगी ही रहेगी और वो हमेशा ज्यादा रहेगी 5 से,
हमको तो कम वाला देखना है, केवल 5 से भाग देके देखिए ना क्या समस्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ इसी में सॉल्व हो जाता कि 29 को 5 से भाग देके देखते 5 बार, एक बार और भाग गया, एक बार 5 की घात आ गई 6, यही आंसर होता 60। हाँ या ना, केवल 5 से भाग देके देखते आंसर आ जाता, 2 से देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे से ध्यान रहेगा नहीं रहेगा बोलो, आगे से ध्यान रहेगा नहीं रहेगा जी, बोले बोलो जल्दी बोलो, ये ध्यान रहेगा नहीं रहेगा बोलो, कहाँ खो गए सब लोग, कहाँ खो गए हो सब लोग? ओके चलो आइए फटाक से बता दीजिए, फटाक से एग्जांपल बता दीजिए। सर 121 फैक्टोरियल में 121 लिखा हुआ है ना, फिर से लिख देते हैं अच्छे से, 121 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। सर वही क्वेश्चन चल रहा है आपका, आइए 121 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए सर, आइए। और ये क्वेश्चन यकीन मानो जब एग्जाम में आपको मिल जाएगा ना, आपके चेहरे खिल जाएंगे। क्यों खिल जाएंगे भैया, बोनस है ये, बहुत सारे लोग इसको कवर करके नहीं जाएंगे, यकीन मानो जब तक उनको कोई पढ़ाएगा नहीं है, जब तक इतनी एनलाइटमेंट ना आ जाए खुद में, वो बुद्धि प्रकाश जो बोलते हैं कि वो बुक खोल के खुद से पढ़ ले, है ना, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं ना, बुक खोल के पूरा टॉपिक कवर करते चलते, और खासकर मैथ्स में तो ये नहीं होता, जीएस में तो फिर भी हो जाता है। क्या बात है, आंसर आने शुरू हो गए यहाँ पर, लेकिन इतना ज़्यादा आएगा 28, चलो देखते हैं आ भी सकता है क्या पता, हाँ आ रहा होगा, आ रहा होगा। आइए तो सर हमको ना वो 2 और 5 की घात तो चाहिए, यहाँ पर अपनी बात ठीक है सर, लेकिन यहाँ मुझे ना फैक्टोरियल दिख गया सर, ये कौन सा प्रॉब्लम है सर? फैक्टोरियल प्रॉब्लम, फैक्टोरियल फैक्टोरियल प्रॉब्लम है सर, फैक्टोरियल प्रॉब्लम है ना, तो मैं 2 से करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा ज़्यादा आएगा, तो सर मैं हमेशा ना सिर्फ 5 से भाग दूंगा फैक्टोरियल वाले प्रॉब्लम में जी। आइए 5 से भाग देंगे क्या होगा, 5 × 10 और 2 × 21 हो गया, 5 × 4 = 20, ठीक है 24 आ गया, 24 फिर भाग 5 से भाग जाएगा, ये वही 24 है जो भागफल आया था, 5 से फिक्स भाग जाएगा, 5 × 4 = 20, ठीक है सर 5 × 4 = 20 बार में जाएगा, 5 × 4 बार में, 4 बार में जाएगा 24 जो है, 4 शेषफल वर्ग है उससे मतलब नहीं है। अब चूंकि ये जो आपका 4 आया है वो भाजक से कम है, मतलब डिवाइजर से कम है, ठीक है, इसका कारण और भाग चला जाएगा नहीं वो, तो कुल भाग आपका आ गया 24 + 8 = 28, और यही 5 की घात है, यही क्या मिलती है हमको, ये क्या मिलती है, ये मिलती है जिस भी संख्या से भाग दे रहे हो फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल को जिस भी संख्या से भाग दे रहे हो उसकी घात आती है ये, तो सर ये 5 की घात 28 आ गई, और यही हमारा आंसर भी होगा, यही हमारा आंसर भी होगा, क्योंकि 2 की घात तो बहुत आएगी अभी, तो आंसर आ गया सर 28, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सही, ठीक है। संदीप ने नहीं, एक मिनट, सबसे पहले आंसर दिया था निकेश कुजूर, सौरभ, ध्रुव, विक्रांत, प्रियंका, तृप्ति, रवि, संदीप, हेमंत, हर्ष, सागर, भावना, हरीश, सोमी, ओम प्रकाश, तुलेश्वर, सावित्री, तारुणी, ठीक है, क्या बात है, बहुत सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 138 फैक्टोरियल में, ठीक है 138 फैक्टोरियल में 3 की घात कितनी होगी बताइए, 3 की घात कितनी होगी बताइए, आइए 138 फैक्टोरियल में 3 की घात कितनी होगी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन फैक्टोरियल वाले में नंबर बहुत बड़ा हो तो, नहीं उतना, इतना बड़ा नहीं दे देगा कि आप कन्वर्ट ना कर पाओ या टाइम वेस्ट हो जाए, समझ रहे हो? हाँ प्रियंका जी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा जो आपको 2 और 5 के रूप में नहीं होगा, 2 और 5 के रूप में बदलना पड़ेगा पहले वो घातांक के नियम के अनुसार जो मैंने बोला था, और फिर 2 और 5 की घात के बदलने के बाद वो आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम कौन सा है वही ले लीजिएगा, लेकिन बिना फैक्टोरियल वाले प्रॉब्लम में इतना बड़ा नहीं देगा कि आपको पूरा टाइम वेस्ट करना पड़े, नहीं वो भी अप्रोचेबल होगा, यकीन मानिए, ठीक है ऐसे क्वेश्चन अप्रोचेबल होता है, यहाँ पर आपका एग्जामिनर क्या करता है, टेस्ट लेता है नॉलेज का। टाइम वेस्ट करने वाला प्रॉब्लम कहाँ आता है, जैसे हम एरिथमेटिक के प्रॉब्लम करते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, यहाँ टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगते नंबर सिस्टम में, ठीक है यहाँ पर आपका नॉलेज देखा जाता है और वहाँ पर आपकी स्पीड देखी जाती है, ये तो ऑलरेडी स्पीड दे रहा है अगर आपको नॉलेज है, ओके तो यहाँ पर मैंने क्या बोला भैया कि भैया 3 की घात बताओ कितनी है 138 में, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको पता है कि फैक्टोरियल वाली संख्या में जिस भी संख्या से भाग दोगे ना, तो जिस संख्या से भाग दे रहे हो भागफल का योग उसी का घात होता है,
जो भागफल आ रहा है ना राइट साइड में, वही उस संख्या की घात होगी जिससे भाग दे के देख रहे हो आप। और यहां पर क्या बात है, आंसर आने शुरू हो गए और जितने के भी आंसर आए हैं बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज 67। तो सर यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यहां तो आपने नंबर ऑफ जीरोज नहीं पूछा, तो नंबर ऑफ जीरोज तो एक टॉपिक है, आपको बोल दिया कि घात बताओ, तो घात ही तो निकाल रहे थे इसके पहले, नंबर ऑफ जीरोज बोल देते तो मतलब हम वहां पर दो और पांच की घात ढूंढते हैं, नंबर ऑफ जीरोज बोलते हैं तो दो और पांच की घात ढूंढते हैं ना, और दोनों में मिनिमम अगर फैक्टोरियल तो पांच ही होता है, तो पांच की घात ढूंढते हैं सर जी। यहां पर आपको इंटेंशनली बोल दिया कि तीन की घात ढूंढो, आइए तीन की घात ढूंढने के लिए आपको करना पड़ेगा 138 को तीन से भाग, तीन चौक बारह, तीन चौक बारह एक हो गया 18, तीन छक्का 18, क्लियर। 46 फिर से भाग जाएगा तीन से, तीन एकम तीन और एक 16 हो गया, तीन पंचे 15, ठीक। 15 फिर तीन से भाग जाएगा सर, तीन पंचे 15 और पांच एक बार फिर से तीन से भाग जाएगा, तीन एकम तीन, कोई समस्या और भाग नहीं जाएगा, वो दिख रहा है, जोड़ दीजिए सभी को, 46 और 15, 46 और 10 56, 56 और 5 हो जाएगा 61, 61 में 5 जोड़ोगे आपका आ जाएगा 66, 66 में 1 जोड़ोगे आ जाएगा 67, 67, ये देखो ये 67 आई, तो वो क्या आई सर, ये आई 3 की घात 67। इस एक्सप्रेशन में 3 की घात 67 बार इन्वॉल्व है, 3 जो है ना 67 बार इन्वॉल्व है, तो 3 की घात 67 आ जाएगी सर 138 फैक्टोरियल में, है कि नहीं कमाल की चीज, कितना भी बड़ा नंबर हो फैक्टोरियल वाला उसमें किसी भी संख्या की घात निकाल सकते हैं, बोलो है मजेदार चीज, ठीक है क्या। तो 3 की घात 67 आ गई सर और यही आंसर है 67, यही आंसर। तो हमको एक चीज पता चल गई सर, क्या कि नंबर ऑफ जीरोज ना भी पूछे तो भी कोई चिंता नहीं है, अगर फैक्टोरियल वाले प्रॉब्लम में किसी भी संख्या की घात पूछ देना तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया और तैयार है कि नहीं, एक टॉपिक और तैयार हो गया कि नहीं, क्या फैक्टोरियल में किसी भी दी हुई संख्या की घात पता करना, क्या फैक्टोरियल में दी हुई संख्या की घात पता करना, यह हमारा ऑलरेडी टॉपिक कवर हो गया सर, ओके। चलो आगे बढ़े क्या, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं इसमें, आइए देखते हैं, मजा आएगा, जितने भी चीजें बची हुई वो मजा आएगा उसमें, आइए नेक्स्ट एग्जांपल। अब हमारा हो गया काफी अच्छे से प्रैक्टिस, क्या बोलते हो, है ना, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हो गया तो 125 फैक्टोरियल में घटा दो 23 फैक्टोरियल को और इसमें शून्यों की संख्या बतानी है, में शून्यों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, ठीक। आइए 125 एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये 125 फैक्टोरियल माइनस 23 फैक्टोरियल, ठीक है, 125 फैक्टोरियल माइनस 23 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस बताना है, नॉन फैक्टोरियल के जितने प्रॉब्लम कराए ना उसी में से पूछेगा, बोलोगे तो और करवा देंगे, बाकी ज्यादा मतलब नहीं है, इसमें से क्वेश्चन जो है फैक्टोरियल वाले से ही पूछते हैं, ठीक है। और आप जो भी बुक रखे हो उसमें ये शायद टॉपिक मिले ना मिले एक बार देख लेना, अगर ये टॉपिक आपको अपने गिवन बुक में मिलता है तो उसे कर लो एक आध दो क्वेश्चन, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है दोस्त, यकीन मानो, ठीक है, बोलोगे तो करवा भी देंगे, कोई समस्या नहीं है, बट उससे ज़्यादा लेवल का क्या, लेवल इसमें होता ही कहाँ है, ये तो वही चल रहा है बस बार बार। आइए बताइएगा 125 फैक्टोरियल माइनस 23 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बतानी है, आंसर आने शुरू हो रहे हैं लेकिन अभी आंसर करेक्ट नहीं है किसी का, आंसर करेक्ट नहीं है यहाँ पर, अच्छा देखो यहाँ 27 24 में आंसर आ रहे हैं, 27 24 में आंसर आ रहे हैं, और एक बार ठान लीजिए, मतलब ठान क्या लीजिए मैं बता देता हूँ, इसमें किसी का आंसर सही नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक नॉलेज की जरूरत है, नंबर सिस्टम इज ऑलवेज अबाउट नॉलेज, ठीक है, नंबर सिस्टम में जब तक आपको नॉलेज नहीं है ना कि ये कैसे होगा, नहीं बनते हैं क्वेश्चन, इसी कारण नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी में क्या है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट जब हमने समझ लिया तो हम हर प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में सक्षम हो जाते हैं, अगर हमारा फाउंडेशन क्लियर है।
इसमें हर एक वैरायटी को कवर करना होता है, जब तक आपको हर एक वैरायटी कवर नहीं होगी ना, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है? नहीं, एक एक आंसर आया है मेरे पास, क्या बात है, निकेश कुजूर का एक आंसर आया मेरे पास भैया, और अगर ने वो लॉजिक लगाया जो मैं सोच रहा हूँ, मतलब जो होता है, तो बहुत बढ़िया। निकेश निकेश कुजूर का आंसर सही है, बाकी किसी का आंसर सही नहीं है। रीजन सुनो, आई थिंक बहुत सारे लोगों को रीजन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सर शून्यों की संख्या बतानी है, मतलब एक चीज पता चल गई, फैक्टोरियल प्रॉब्लम भी दिख रहा है, मतलब दो और पांच की घात पता करनी होती है, लेकिन चूंकि फैक्टोरियल है तो केवल पांच की घात पता करनी है। आइए 125 को पांच से भाग देके देखूंगा सर, ये कितना आएगा, 25 बार में जाएगा ना, ठीक सर। 25 को और भाग दिया जा सकता है पांच से, पांच पांच 25, ठीक है, और पांच को एक बार और दिया जा सकता है भाग, पांच एकम पांच। सर सबको जोड़ दूंगा अगर मैं तो 25 5 आपका 30 और 1 31 आ रहा है यहां पर, 5 की घात 125 फैक्टोरियल में 5 की घात 31 आ रही है। इधर मैं 23 में चेक करूंगा तो 23 को 5 से भाग दिया, आ रहा है 5 चौक 20 केवल, बस ना, और तो भाग नहीं जाएगा ना, ठीक है। तो सर इधर आ गई घात 31 और इधर आ गई घात 4। तो कुछ लोग आंसर के लिए क्या कर रहे हैं कि यहां पर चूंकि 125 की घात आ गई 31 और यहां पर 23 की घात आ गई, मतलब 23 में 23 फैक्टोरियल में 5 की घात की बात कर रहा हूं, वो आ गई 4, और चूंकि बीच में घटाना दिया है तो ये कर देते हैं सर घटाना, तो 31 में 4 घटाए सर आगे 27, ऐसा कर रहे हैं, जो गलत है, जो क्या है, गलत, गच्चा, बिल्कुल गच्चा हो गया, गच्चा। आप अपने लॉजिक के हिसाब से कुछ गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक बात दिमाग में फिर बैठा लो, स्टार पॉइंट करके लिख लेना, प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो, किसी भी दो फैक्टोरियल एक्सप्रेशन के बीच में आंसर हमेशा दोनों को मिला के मिनिमम पावर ही होगी, मिनिमम पावर ही होगी, ठीक है। हमेशा दोनों को मिला के देखने पर, दोनों को मिला के देखने पर दोनों में जो मिनिमम घात होगी, दोनों में जो मिनिमम घात होगी वही आंसर होती है। समझ में आई क्या बात, आंसर 4 आएगा यहां पर। तो ये अब आगे से ना करें, अभी आपने कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आप ऐसा करते, हर कोई करता, जब तक मुझे भी नहीं पता था मैं भी ऐसे ही करता इसको, ठीक है। उसके पीछे मैं रीजन भी बताऊंगा, डोंट वरी, सबके पीछे रीजन जानेंगे। तो सर 31 ऋण 4 नहीं करना है सर, दोनों में जो मिनिमम मिलेगा, पांच को ही चेक करने पे ऑब्वियस ही बात है दो से तो करोगे नहीं, पांच में भी दोनों में जो मिनिमम होगा वही आंसर होगा। तो देखो 31 और 4 में मिनिमम कौन सा है, मिनिमम ऑफ 31 एंड 4 कौन सा है, 4। तो यहां पर आंसर आएगा सर 4, क्लियर है या नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर बीच में प्लस भी होता तो 31 प्लस 4 35 नहीं होता भर भाई, ठीक है। दोनों में मिनिमम वाला, जो भी एक्सप्रेशन में मिनिमम वाला होगा वही होगा, ठीक है क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी अभी क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल 4 आएगा, बहुत बढ़िया। अभी क्लियर है कि नहीं है, बोलो। ये नोट पॉइंट ध्यान रखना, प्लस हो माइनस हो, आंसर के लिए हमेशा मिनिमम पावर देना देखना है, इकट्ठे दोनों में इकट्ठे मिनिमम पावर देखना है, क्लियर। रीजन सुनो भाई, डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा अगर, तो रीजन सुनो ना, बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ बता रहा हूं आपको। सर यहां पर ले लो 100, ठीक है, कितने शून्य दिख रहे हैं 100 में, दो दिख रहे, ठीक, दो में कितने शून्य दिख रहे हैं बोलो, सॉरी 100 में कितने शून्य दिख रहे हैं बोलो, दो दिख रहे हैं ना, हाँ जी 100 में दो शून्य दिख रहे हैं सर। इसको मैं एक काम करता हूं 10 से घटा देता हूं, ठीक है। लेकिन एक चीज और समझना, यहां पर गड़बड़ क्या होती है, यहां पर होती है गड़बड़ ऐसे कि चूंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो यहां पर आपको एक चीज समस्या देखने को मिल जाती है, ठीक है क्या, क्लियर। तो यहां पर देखो होता क्या है, अगर 100 में जोड़ करूं मैं, सर रिजल्ट 110, पहले समझ लो जोड़ और घटाना क्या होता है, और 100 में जो मैंने पहले लिया था वो ऋण ये 90 होता है सर, ठीक है। अब देखो 100 और 10, यहां शून्य दो है, यहां एक है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे थे इधर आपका सर जितना जीरो और इधर इतना जीरो में घटा देते हैं, तो घटाने से या जोड़ने से देखो शून्यों की संख्या में फर्क नहीं पड़ रही है, जो मिनिमम वाली संख्या है उसी का नंबर ऑफ शून्य ले रहे हैं,
है या नहीं बोलो। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को इससे कंपेयर करने में समस्या वही होती है जो मैं कह रहा था, ये डायरेक्ट आपको पता चल रहा है तो ये एग्जांपल समझने के लिए अच्छा है। डायरेक्ट छोटे क्वेश्चन उसी से समझा जा सकता है। 100 में 10 जोड़ा ना तो दो अलग अलग एक्सप्रेशन हो गए कि नहीं हो गए, दो अलग अलग एक्सप्रेशन हो गए कि नहीं हो गए बोलो, दो अलग अलग एक्सप्रेशन हो गए। तो देखो दोनों को जोड़ने पे 110 रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, लेकिन शून्यों की संख्या कितनी अल्टीमेटली, एक ही तो है, एक ही तो है, क्लियर। कैसे पता चला सर? देखो दोनों में जो छोटा वाला था 10, उसमें जितने शून्य थे उतने ही 0 रिजल्ट में भी आ रहे, चाहे आपने जोड़ा चाहे आपने घटाया। अगर मैं एक और एक्सप्रेशन दे दूं, एक और एक्सप्रेशन दे दूं सर, क्या 10,000 धन 1,000 धन 100 धन 10 में शून्यों की संख्या बताओ, में शून्यों की संख्या बताओ, ठीक है। तो वही लॉजिक के हिसाब से क्या करते हैं, सबको जोड़ोगे, अगर इधर आ गया सर 4, इधर आ गया 3 7, 7 दोनों और 1 10, अगर 10 शून्यों की संख्या बता दोगे तो गलत हो जाएगा। 10 शून्य नहीं आ रहे भैया, रिजल्ट देखो ना उसमें कितने 0 आ रहे हैं वो बताना होता है, वो बताना होता है रिजल्ट में कितने 0 आ रहे हैं। तो यहां पर फिर से वही बात है, जब जोड़ोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 1 1, ठीक है, 1 0, यही रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये रिजल्ट आएगा। तो देखो इन सबको जोड़ने पर रिजल्ट ये आ रहा है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, सिर्फ एक आ रही है। और वही बात है, इन सबको एक साथ देखने पर जो सबसे छोटी संख्या उसमें जितने शून्य होंगे वही रिजल्ट में भी शून्य होते हैं। हाँ या ना बोलो, ये पूरा समझा दिया मैंने रिजल्ट क्या होता है। तो प्लस माइनस में, प्लस माइनस में रिजल्ट का कोई फर्क नहीं, मतलब जो मिनिमम वाला होता है वही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। इसमें डायरेक्ट यहां से शून्यों को घटाना या कम नहीं करना है, घटाना या जोड़ना नहीं करना है। हो गया क्या, ये समझ में आया? तो हमेशा देखो ये आपके सामने प्रत्यक्ष दिख गया, रिजल्ट में कितने शून्य होंगे ये बताना होता है, इसके लिए आपको शून्यों को जोड़ना या घटाना डायरेक्ट नहीं है, सीधा जो देखना है कि सबसे छोटा वाला कौन सा, उसमें जितने शून्य होंगे वही रिजल्ट होता है। तो वही कर रहे हैं इसमें। हो गया होगा आई होप क्लियर, हो गया होगा आई होप क्लियर। आइए आइए क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। (25 factorial × 45 factorial) में शून्यों की संख्या बताओ, शून्यों की संख्या बताओ। ठीक है, 25 factorial × 45 factorial में शून्यों की संख्या बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजल्ट यहां पर आने शुरू हो गए हैं 6, ठीक है, रिजल्ट यहां पर आने शुरू हो गए हैं 6, राइट। और यहां पर भी सभी का आंसर जो 6 है वो गलत है। एक और गच्चा, क्या हो गया, एक और गच्चा। चलिए कैसे सर, बीच में क्या लगा हुआ भाई, गुणा लगा हुआ है। पहले यहां पर हम सर 5 की घात निकालेंगे, 25, 5 से भाग देंगे, 5 × 25, एक बार और भाग जाएगा सर, 5 × 5 = 1, ठीक है। यहां पर 5 की कुल घात आ गई सर 6, यहां 5 की घात ढूंढने की कोशिश हमने की, 45 को 5 से भाग दिया, 5 9 बार, ठीक है ना, 5 × 45, और 9 सर 5 से और भाग जाएगा एक बार में, 5 × 5, यहां पर 5 की घात कुल आ गई सर 10। तो आपने तो बोला था सर जो अलग अलग एक्सप्रेशन में जो मिनिमम घात होगी वही लेना है, इस केस में नहीं, क्यों, क्योंकि गुणा दे दिया सर, क्या दे दिया सर, गुणा दे दिया सर। और जब फैक्टोरियल वाले एक्सप्रेशन के बीच में गुणा दे देगा ना तो जो घात होती है वो जुड़ जाती है, क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 6 और 10 मिला के हो जाएंगे 16, तो नंबर ऑफ जीरोस भी आपका हो जाएगा कितना, 16, नंबर ऑफ जीरोस आपका हो जाएगा 16। सर रीजन बताओ, सर रीजन बताऊंगा पूरा, काहे चिंता कर रहे हो, रीजन बताऊंगा अभी, चिंता मत करो, नोट करो बस इसको, ये चीज समझ में आया कि नहीं सर, गुणा वाले केस में ना, गुणा वाले केस में सर क्या करते हैं,
गुणा वाले केस में सर हम करते हैं जोड़ना, घातों को जोड़ना। मजा आया बोलो, ऐसा वाला मजा आया कि नहीं, राहुल गांधी वाला मजा आया कि नहीं बोलो। और ये बोलना, ये मजा मैं सब तक पहुंचाना चाहता हूं, पूरे भारत तक देना चाहता हूं, पढ़ाना लोगों को, मजा आ जाएगा। आओ नेक्स्ट नहीं, रीजन, एक्सप्लेनेशन। आओ सर, वो 10 और 100 से समझाइए। आइए सर, ये 100 ले लिया सर, इसमें 10 का गुणा करिए, किया कुछ भी निकल जाता है, करिया आ गया था। करिया मतलब क्या होता है पता है ना, छत्तीसगढ़ी लोगों को पता होगा। सर 100 गुणा 10 किया सर, लेकिन इसमें मिनिमम ले लिया था मैंने, मतलब 1-0 ले लिए थे, लेकिन मैंने वही बोला कि रिजल्ट जो आएगा उसमें ढूंढना पड़ता है सर। तो जब 100 गुणा 10 किया तो देखो रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1000 मिल रहा है, 1000 मिल रहा है। तो इसमें शून्यों की संख्या दिख रही है सर 3, जबकि जोड़ रहे थे ना तो रिजल्ट 110 आ रहा था रिजल्ट में, और रिजल्ट में 1-0 दिख रहे थे, मतलब जो मिनिमम था वही था। यहां पर शून्य जो जुड़ जा रहे हैं सर गुणा में, 2-0, 1-0, कुल मिला के 3-0। बात समझ में आई, एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बोलो, एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ कि नहीं ये बोलो मुझे। ठीक, रीजन क्लियर हुआ, ये दोनों में रीजन क्लियर हुआ, देख लो रिजल्ट में क्या दिख रहा है शून्य, बस। ठीक चलो एक क्वेश्चन और दें क्या, एक क्वेश्चन और दें, आइए एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। 67 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 29 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। 67 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 29 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या बताइए। ठीक है सर, 67 फैक्टोरियल में 29 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है और शून्यों की संख्या बताने की, कितना आ रहा है चलिए देखते हैं। आइए इसको बना लोगे, अब इसमें कोई समस्या नहीं जाने वाली, इसको बना लोगे, बाकी हमने जोड़ घटाना देख लिया, गुणा देख लिया, तो भागित वाला बना लोगे अब। ठीक है जी, बोलो आंसर, बोलो जल्दी, यहाँ पर आंसर आने शुरू हो गए हैं। 1-9 आ रहा है, 1-6 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है। ठीक है, 9 और 6 के बीच में खेल रहे हैं हम, आइए देखते हैं क्या सही है, मुझे भी नहीं पता, रैंडम क्वेश्चन है ये सर। 5 से भाग दो ना, नंबर ऑफ शून्य की तो बात कर रहे हो आप, ठीक है, 67 को 5 से भाग दिया, 5 एकम 5, और ये 17 हो गया, 5 दिया 15, ठीक है, 13 में फिर से 5 से भाग जाएगा सर, 5 दूनी 10, ठीक है, बस इतना ही भाग जाएगा। तो इधर घात कितनी हो गई सर, 15, इधर 5 की घात हो गई 15, इस वाले के लिए, ठीक है, इस वाले के लिए चेक करें सर, 29/5, 5 5 25, 5 एक बार और जाएगा, 5 एकम 5, तो सर यहाँ घात आ गई ना 6, यहाँ घात कितनी आ गई 6, तो आंसर देखिए बीच में भागित है, बीच में भागित है, मतलब जो पावर्स होंगे ना अलग अलग एक्सप्रेशन में फैक्टोरियल वाले, वो घट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, 15 में 6 जाएगा आएगा 9, बहुत बढ़िया, जो लोग 9 बोल रहे थे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मतलब बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं किस बात की, अभी तो एग्जाम नहीं है, बधाई, ठीक है, वेरी गुड, आंसर 9 आएगा, दिख रहा है, मतलब फैक्टोरियल वाले एक्सप्रेशन में जब आपका भागित दे दे, डिवाइड डिविजन दे दे, तो जो अलग अलग घात मिलेगी उसको घटाने से जो रिजल्ट आएगा वही नंबर ऑफ जीरोस होगा, है कि नहीं। सोमी जी बोल रही हैं कि भैया 9 वाले जितने हो ना सब पार्टी दे दो, चलो इकट्ठे हो सब लोग आज शाम को और पार्टी दे दो 9 लाने के उपलक्ष्य में, क्या बोलते हो, मैं भी आऊं, कौन पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है आप लोगों के बीच में बता देना मुझे, मैं आ जाऊंगा। चलो ठीक है, आ गया, ये तो हो गया ना क्लियर, अब रीजन बताओ सर, एक्सप्लेनेशन बता दो सर, आओ एक्सप्लेनेशन देखो, फिर से वो 100 और 10 के बीच में खेल रहे हैं हम, 100/10, मतलब 100 को 10 से भाग दोगे 10 बार में जाएगा ना, 1-0 आया सर,
मतलब दो शून्य में एक शून्य घट गया तो एक शून्य मिला सर, ये इसलिए था क्योंकि भाग करके देखा, देखो रिजल्ट है मजेदार, है मजेदार कि नहीं, है कि नहीं बोलो, क्लियर हो गया। तो ये था आपका नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना, जिसमें हमने सारे केस देख लिए, अगर आप अलग से लिखना चाहो तो देख लेना। प्लस माइनस में उसके रिजल्ट का महत्व तो सिर्फ इतना होता है कि रिजल्ट निकालना नहीं पड़ता, सीधा जो मिनिमम पावर है वही हो जाता है। रिजल्ट के तौर पे एक्सप्लेनेशन मैंने जरूर बताया कि क्यों ऐसा होता है प्लस माइनस में, जबकि गुणा और भाग रहे तो गुणा में आपको ध्यान रखना है जो अलग अलग घात मिलेगी वो जुड़ जाएगी, और भागित में जो अलग अलग घात रहेगी वो माइनस हो जाएगी, वही रिजल्ट होगा नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, मज़ेदार है, एग्जाम में पूछना शुरू कर दिया है। ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करके अलग अलग क्वेश्चन मत करना, इसी बीच में आएगा और बन जाएगा, अगर थोड़ा अलग भी दे दे इसी बीच में से ही प्रॉब्लम रहेगा और वो आपसे बड़े आसानी से बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल रीजनिंग के टॉपिक को आई होप लेके। धन्यवाद।